सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस तरीके की पेंसिल शार्प कर सकते हैं, जिसकी आप देख पा रहे हो इसकी जो इसकी लीड कितनी परफेक्टली शार्प हो रही है और लॉन्ग शार्प हो रही है। इस तरीके की मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने देखा होगा कई बार कि तो फेस पर जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें लाइट शेडिंग करनी होती है शुरू में, लेकिन जब हम शार्पनर से पेंसिल शार्प करते हैं तो छोटी सी लीड निकल के आती है, इतनी सी, क्योंकि आगे से पॉइंटेड होती है। तो वो हम जब शेडिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो शेडिंग है हमारी थोड़ी डार्क होती है। लेकिन इस मेथड का यूज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर इस मेथड का आप यूज़ करते हो तो आपकी शेडिंग लाइट होगी और काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म मेथड में आपकी शेडिंग होगी, बिल्कुल स्मूथ शेडिंग होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों HB पेंसिल ले ली है, जिसमें से एक पेंसिल को मैंने इस तरीके से लॉन्ग लीड में शार्प की है और दूसरी नॉर्मल कटर का यूज़ करके मैंने शार्प की, जिसकी ज़्यादा लीड नहीं निकल पाती है। फर्स्ट में मैं इससे शेडिंग करता हूँ, तो बिल्कुल लाइटली शेड करने की कोशिश करूँगा मैं। आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल को कितनी पीछे से पकड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं HB पेंसिल से ही कितनी डार्क शेडिंग हुई है। अब हमने जो लॉन्ग लीड को शार्प किया है इसको हम यूज़ करते हैं, इसमें मैं लाइट ही शेड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा डार्क है और ये लाइट है। जो हमने शार्पनर से शार्प की थी पेंसिल, वो उससे शेडिंग करने पर ज़्यादा डार्क हुआ है, और जो लॉन्ग लीड और शार्प वाली पेंसिल है उसमें लाइट शेडिंग हुई है। जब हम शेडिंग करते हैं किसी फेस के ऊपर या किसी भी चीज़ में, तो हमें लाइट शेडिंग की ही ज़रूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप लाइट टू डार्क ही शेडिंग करते हैं, और हमें लाइट टू डार्क शेडिंग करने की ज़रूरत होती है, तभी हमारा स्केच परफेक्ट बन पाता है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा। मेरे पास एक अप्सरा की भी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2B पेंसिल है, इसको मैंने कितनी ज़्यादा शार्प कर रखी है, कितनी लॉन्ग शार्प कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको शार्प करना है। कई बार आपने जो देखा होगा, आपकी जो डार्क पेंसिल होती है, जैसे कि मेरे पास आर्ट लाइन की 8B है, तो ये शार्प करने में ही टूट जाती है। जब आप शार्पनर से शार्प करते हैं तभी टूट जाती है। तो मैं पहले इसको ही शार्प करता हूँ। तो मैं पेपर कटर का यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल पेपर कटर है। तो अपने हाथ का ध्यान रखते हुए आपको केयरफुली शार्प करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर शार्प कर रहा हूँ, जितना ऊपर से आप ले सकते हैं उतना ऊपर से ले लीजिए, जितनी लंबी लीड आपके लिए होगी वो जितनी अच्छी होगी। पहले इसको मैं शार्प कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इतनी कुछ लीड शार्प कर ली है। अब हमें सिंपली इसको पॉइंटेड बनाने के लिए सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास सैंड पेपर है, आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी सैंड पेपर ले लेना है जो कि खुरदरा हो, और इस तरीके से आपको हल्का हल्का इस पर घिसना है, जिससे कि ये बिल्कुल पॉइंटेड हो जाएगा। अब आप देखिए कितना सारा जो ग्रेफाइट पाउडर है वो निकला है। इसको आप बाद में यूज़ भी कर सकते हो, आप इसको सेव करके किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हो, कि आप शेडिंग करते वक्त ग्रेफाइट पाउडर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखिए कितने अच्छे तरीके से शार्प हुई है। लेकिन ये पूरा वर्क आपको केयरफुली करना है, वरना आपके पेपर कटर की वजह से आपकी उंगली पर लग सकती है। शार्पनर से शार्प करने पर आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपकी जो 8B 10B 6B पेंसिल होती है वो अंदर ही टूट जाती है शार्पनर के अंदर। लेकिन इस तरीके का अगर आप केयरफुली इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आपकी ना पेंसिल टूटेगी, लेकिन आपको केयरफुली करना पड़ेगा, वरना इस तरीके से भी पेंसिल कई बार टूट जाती है। इस तरीके से पेंसिल शार्प करने के बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी शेडिंग होगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।